हेलो गाइज, वेलकम बैक। मायसेल्फ संतलाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एजुकेशन एरा। दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यह यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एजुकेशन एरा आपका भी स्वागत करता है। डियर फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने द इंग्लिश एजुकेशन एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके काम की वीडियो मिल सके सबसे पहले आपको। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो की विषय पे चलते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो का क्या विषय है दोस्तों। आज का वीडियो आधारित है एलटी ग्रेड की परीक्षा में पूछे गए थे गलत सवाल। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि दिनांक 29 जुलाई 2018 को अखिल उत्तर प्रदेश में आयोजित एलटी ग्रेड की परीक्षा में गलत सवाल पूछे गए थे। यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि आयोग ने गलत पूछ लिए थे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने भी एलटी ग्रेड की परीक्षा दी है और आपका भी विषय अंग्रेजी रहा है तो यह वीडियो आपके लिए एक अच्छी खबर दे सकता है। एलटी ग्रेड की परीक्षा में दो ऐसे प्रश्न थे जिन्हें आयोग ने गलत पूछ लिया था और आपके लिए प्रसन्नता का विषय ये है कि आप सभी को ये दो अंक, पूरे के पूरे दो अंक मुफ्त में मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर वे कौन से प्रश्न थे जिन्हें कि आयोग ने गलत पूछ लिया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एएलटी ग्रेड का पेपर है, एएलटी ग्रेड का जो मेरे पास पेपर आया हुआ है इसकी सीरीज बी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एलटी ग्रेड का पेपर है और इसकी सीरीज बी है। तो यदि आपके भी क्वेश्चन पेपर की सीरीज बी है तो आपको क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर मिलाने में दिक्कत नहीं होगी। यदि सीरीज बी नहीं है तो थोड़ा सा आपको खोजना पड़ सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार आप खोज लें। देखिए दोस्तों, आते हैं पार्ट सेकंड पे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पार्ट सेकंड में यदि आपका भी विषय अंग्रेजी है तो आपके लिए यह वीडियो है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आयोग ने गलत पूछे थे। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू बुकलेट सीरीज बी क्वेश्चन नंबर 41 प्रश्न संख्या 41 देखिए जो था, यह था आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस इसमें से पहचानना था। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन यानी ए बी सी डी, ये जो चार के चारों ऑप्शंस हैं, ठीक, यह प्रश्न गलत कैसे है पहले तो ये सुन लें। इन चार के चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि ठीक हो, करेक्ट हो, बिल्कुल प्रॉपर हो, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और हम चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बुकलेट सीरीज बी जो क्वेश्चन नंबर 96 है, आप अपनी बुकलेट अगर सीरीज बी नहीं है तो मिला लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है अपनी सुविधा के अनुसार। देखिए एक क्वेश्चन नंबर है 96 क्वेश्चन भी पूरी तरह से गलत था। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से गलत था और आप के लिए यह भी प्रसन्नता का विषय है कि इस प्रश्न के अंक भी आपको मिलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों डिटेल में हम आप देखते हैं कि ये प्रश्न गलत कैसे थे। तो चलिए आते हैं एक एक करके दोनों प्रश्नों पे। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे दोस्तों कि यदि आपकी भी सीरीज बी है तो यह क्वेश्चन आपको मिलने वाला है पेज नंबर 10 पे। ओके दोस्तों, सीरीज बी के अकॉर्डिंग, ठीक, यह क्वेश्चन आपको मिलने वाला है पेज नंबर 10 पे। सीरीज बी नहीं है तो आप मिला लें कि कौन सा क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें क्या प्रश्न है और उत्तर कैसे गलत हैं। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस इसमें से पहचानना है। अब दोस्तों देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी ऑप्शन नंबर ए है, सी एंटर्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। ओके दोस्तों देखिए, सी एंटर्ड इनटू द रूम, ओहो, एंटर के बाद यहाँ पे इनटू का प्रयोग हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं, पर मैं
बता देना चाहता हूँ दोबारा से कि एंटर के बाद यहाँ इनटू का प्रयोग किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो एंटर के बाद इनटू का प्रयोग करना सही भी है और गलत भी है। अब आइए एक एक करके जान लेते हैं कि वे कौन सी कंडीशंस हैं जबकि एंटर के बाद इनटू का प्रयोग किया जाता है और वे कौन सी कंडीशंस हैं जबकि एंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं जो रीज़न नंबर वन है, कंडीशन नंबर वन, एंटर के बाद इनटू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। देखिए दोस्तों, एंटर के बाद इनटू का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ आप किसी डिबेट में, किसी बातचीत में या किसी डिस्कशन वगैरह में एंटर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको एंटर के बाद इनटू का प्रयोग किया जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, जैसे कि आई एंटर्ड इनटू द डिबेट, सी एंटर्ड इनटू द डिस्कशन, ठीक। तो इस हिसाब से अगर आप वाक्य बनाते हैं तो ये वाक्य पूरी तरह से सही हैं। किसी डिबेट में जब आप भाग ले रहे हैं, किसी डिस्कशन में आप एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे एंटर के बाद इनटू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सेकंड कंडीशन देखते हैं कि एंटर के बाद, जनरली हम आप सभी जानते हैं कि एंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखिए एंटर के बाद इनटू का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, हम आप जान रहे हैं। देख लें क्या है कि एंटर के बाद इनटू का प्रयोग वहाँ पे नहीं किया जा सकता जहाँ पे हम, आप या कोई भी व्यक्ति कहीं पर, जैसे किसी बिल्डिंग में, किसी कमरे में फिजिकली एंटर कर रहा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर, कमरे में, किसी बिल्डिंग में फिजिकली एंटर कर रहा होता है, तो वहाँ एंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये दो कंडीशंस हो गई दोस्तों, ठीक। अब आइए देखते हैं कि ये चारों विकल्प कैसे गलत हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है, इसमें लिखा हुआ है सी एंटर्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। ओके दोस्तों, विदाउट नॉकिंग एट द डोर, तो देखिए यहाँ एंटर के बाद इनटू का प्रयोग किया गया है, जबकि कंडीशन ए है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं पे फिजिकली एंटर कर रहा होता है तो वहाँ पे एंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता है। एंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस तरह से यहीं पर यह प्रश्न गलत हो जाता है बिल्कुल। आइए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, सी एंटर्ड इन द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। ओहो, व्हाट अ फूलिश ऑप्शन। एंटर के बाद यहाँ इन लगा रखा है, ये क्या बना रखा है, एंटर के बाद इन नहीं लगता, एंटर के बाद इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए यह ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक, सी पे चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। देखिए सी में लिखा हुआ है सी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर। ओके दोस्तों, यह ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, एंटर के बाद यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया हुआ है, ठीक। देखिए ए जो ऑप्शन है, सेंटेंस है सी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग, यहाँ तक तो ए बिल्कुल, ऑप्शन ए सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे आगे नॉकिंग के बाद यहाँ ऑन प्रीपोजिशन लगा रखा है, ऑन। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नॉक के बाद ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि नॉक के बाद एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है, नॉकिंग एट द डोर होना चाहिए, न कि नॉकिंग ऑन द डोर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी भी इस तरह से यहाँ पे गलत हो जाता है। देखिए लास्ट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर डी बचा है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए सी एंटर्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर। ओहो, इसमें तो और भी ज़्यादा मेजर मिस्टेक है। देखिए क्या है, एंटर के बाद पहली बात तो यहाँ इनटू लगा रखा है, जबकि आप कंडीशन जानते हैं कि जब
कहीं पे कोई व्यक्ति फिजिकली एंटर कर रहा होता है तो वहाँ एंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, और देखिए आगे जो इसमें मेजर मिस्टेक है, ब्लंडर जिसको आप कह सकते हैं, वो है नॉकिंग ऑन। ठीक, तो नॉक के बाद एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक, और आप सब जानते भी हैं कि नॉक के बाद एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, न कि ऑन प्रीपोजिशन का, तो ये ऑप्शन तो और भी ज़्यादा गलत है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 41 में ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी हैं, ये ग्रामेटिकली किसी भी तरह से जो है कोई भी ऑप्शन ऐसा फिट नहीं है जो कि पूरी तरह से ठीक हो। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों के चारों गलत हैं। तो आपके लिए प्रसन्नता का विषय ये है कि आयोग की ऑफिशियल आंसर की आने दें, देखें कि आयोग उस ऑफिशियल आंसर की में इन प्रश्नों को क्या करता है, शायद वो इन प्रश्नों का कोई उत्तर दे या तो फिर इस क्वेश्चन को डिलीट करे। पर आपके लिए तो प्रसन्नता का विषय ये है कि आपको इस प्रश्न के अंक मुफ्त में मिलने वाले हैं, बाकी ये आपकी लड़ाई है। यदि आयोग इसमें किसी ऑप्शन को सही मानता है तो इसके लिए आप आयोग का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं या तो फिर वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आयोग को चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं ये चारों ऑप्शंस गलत हैं इस क्वेश्चन के। ठीक, इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि पूरी तरह से ठीक हो। ठीक, तो इस तरह से यह क्वेश्चन गलत है, तो इस क्वेश्चन के अंक आप सभी को मिलने वाले हैं दोस्तों। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 96 है, ठीक, इस पे हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर आपकी भी सीरीज भी है तो यह क्वेश्चन आपको पेज नंबर 17 पे मिलने वाला है। ठीक, और अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग फिर आप देख लेंगे जो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट नरेशन। इसमें देखिए डायरेक्ट नरेशन में नीचे लिखे हुए सेंटेंस को चेंज करना है। देखिए सेंटेंस क्या है, मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंसेस, दिस इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ठीक दोस्तों, देखिए इसको चेंज करना है, तो आइए एक एक करके सारे ऑप्शंस पे हम डिटेल में देखते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए है, इसका डायरेक्ट नरेशन जो बनाया हुआ है इन्होंने, हे गंगू आर यू इन योर सेंसेस नाउ आस्क्ड मोती। ओहो क्या बना रखा है, ऑप्शन क्वेश्चन है मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंसेस, वेदर द लेटर वाज, वेदर द, देखिए इस पे मैं जोक दे रहा हूँ दोस्तों कि वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंसेस, और इसमें ऑप्शन नंबर ए में बना रखा है कि आर यू इन योर सेंसेस, गंगू को ही कहा जा रहा कि आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मोती, तो ये तो बिल्कुल अनफिट है, बिल्कुल मतलब किसी भी तरह से ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता जो है इसमें। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पे गलत हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप भी डीपली एनालाइज करके देख लें जो है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, कोई संभावना नहीं है कि इसमें सही हो। देखिए ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ठीक, इसमें दिया हुआ है गंगू हैव यू लास्ट योर सेंसेस आस्क्ड मोती। ओहो मेजर प्रॉब्लम इसमें भी है। ठीक, देखिए दोस्तों अब इसमें जब इन्होंने दे रखा है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गंगू हैव यू लास्ट योर सेंसेस, गंगू ने अपना ही सेंस लॉस्ट कर दिया है। ठीक, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता जो है। ठीक, कि गंगू ने अपना ही, यहाँ पे लेटर वाज इन हिज सेंसेस, तो यहाँ पे गंगू ने अपना ही सेंस लॉस्ट कर दिया है। व्हाट अ फूलिश डायरेक्ट नरेशन बना रखा है इसमें जो है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल से गलत हो जाता है। ठीक, आइए ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी है गंगू आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मोती। ओहो व्हाट अ डायरेक्ट नरेशन, क्या डायरेक्ट नरेशन बना रखा है, गंगू आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस, देखिए मैं कहां जोर दे रहा हूं, आर यू इन योर सेंसेस। ठीक, इस पे आइए, आर यू इन योर सेंसेस पे आइए। ठीक, यहां पे कहा जा रहा है कि वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंसेस, और यहां पे गंगू को ही कहा जा रहा है कि इज ही इन हिज सेंसेस। ठीक, क्या वो अपने सेंस में है, तो या तो बिल्कुल
फुल स्टैक नेगेशन हुआ, ठीक। तो बिल्कुल मतलब किसी भी तरह से जो है यह ऑप्शन नंबर जो सी है, यह जो डायरेक्ट नेगेशन बना रखा है, ये बिल्कुल किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी भी जो है गलत हो जाता है, ठीक। आइए लास्ट ऑप्शन जो बचा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, आर यू सेंसलेस गंगू आस्ट मोती। ओहो, अब इसमें गंगू को ही कह दिया गया कि आर यू सेंसलेस, इसमें सेंसलेस कह दिया गया। तो ऐसा तो नहीं है कि गंगू सेंसलेस है, इसमें कहा जा रहा था कि वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंस, जो लेटर था क्या उसके सेंस में था, और यहाँ पे गंगू को ही सेंसलेस कहा जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल फिट नहीं है, ठीक, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि ऑप्शन सही हो जो है, ठीक। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट नेगेशन गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी इसमें गलत हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 96 में जो डायरेक्ट नेगेशन बनाने के लिए कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, इन चारों ऑप्शन में भी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि सही हो, जो कि इस डायरेक्ट नेगेशन का सही फॉर्म यहाँ पे बनाया गया हो जो है। तो दोस्तों इस तरह से यह भी प्रश्न गलत है। बाकी आयोग की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद देखें कि आयोग इस प्रश्न को क्या मानता है, ठीक। बाकी मेरा तो सुझाव यही है, ठीक, कि आयोग की आंसर की आती है, यदि आयोग इस प्रश्न का उत्तर इस इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी देता है तो बिल्कुल आयोग को आप इस क्वेश्चन के लिए चैलेंज करें कि नहीं इस यह क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि सही हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न के भी अंक आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 96, इन दोनों प्रश्नों के अंक आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मैंने एलटी ग्रेड के क्वेश्चन पेपर को डीपली एनालाइज करके ये दो प्रश्न ऐसे पाए हैं जो कि पूरी तरह से गलत थे, और इन गलत प्रश्नों के अंक आपको मिलेंगे। आप अपनी लड़ाई जारी रखिएगा ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करेंगे, पर आपसे यह कहना चाहेंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को समाप्त करने से पहले, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।